उदयपुर शहर के विधायक भाई साहब कहे जाने वाले राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले महाराणा प्रताप के बारे में उन्होंने चाहने के अनाप शनाप मंच से बोल दिया, चुनावी सभा थी, और जब उन्होंने विरोध देखा, मेवाड़ के आम जन का विरोध देखा, तो तीन तीन बार माफ़ी भी मांग ली, और अब उनको जान से मारने की धमकी मिलने की वजह से उन्होंने थाने में FIR भी कटवा दी। कुल मिलाकर अपने तेवरों और उन तेवरों में बयानबाजी करने के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले कटारिया इन दिनों उन्हीं तेवरों की बयान की वजह से विरोध के कारण चर्चा में हैं। जी हाँ, क्योंकि अब उनके बयान का विरोध हो रहा है। पहले तो ये होता था ना कि खबरें छप जाती थी कि कटारिया के बिगड़े बोल, कटारिया ने फिर दिया चैलेंज वगैरह वगैरह, लेकिन कटारिया जब तक विपक्ष के नेताओं को या फिर सरकारी अधिकारियों को बुरा भला कहते थे चल गया, लेकिन इस बार गाड़ी इनकी पटरी से फिसल गई और उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में अनाप शनाप बोल दिया। और महाराणा प्रताप मेवाड़ की आन बान शान है, तो जाहिर सी बात है भाई कि आपके नेता या विपक्षी नेता या और कोई हो तो वो चल जाएगा। महाराणा प्रताप के बारे में अगर आप कुछ भी कहोगे किसी भी भावना में, तो वो कुछ भी कहोगे तो नहीं चलेगा, सम्मान से ही कुछ भी कहना पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी नेताओं में और महाराणा प्रताप में फर्क करने की तमीज़ तो आपको रखनी ही पड़ेगी। आपको कोई सिखाएगा तो नहीं, फिर चाहे आप कितनी भी माफ़ी क्यों ना मांग लो, गुस्सा तो गुस्सा है, और इस बार मेवाड़ वासियों का गुस्सा जायज़ है। आपकी भावना गलत नहीं थी, आप ये कहते हैं, अब भावना गलत नहीं थी तो क्या किसी को कुछ भी कह दोगे बे? अब देखो, मेरी भावना गलत नहीं थी, लेकिन मैंने अबे तबे करके अगर बात बोली तो कितनी बुरी लगी, सुनने में भी बुरी लगी, मुझे कहने में भी बुरी लगी। तो क्या आप जब कहते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता है? क्योंकि मैं अगर आपके बारे में अबे तबे करके बोलूंगा, मेरे को ठीक बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया, मेरी भावना गलत नहीं थी। तो इसलिए भाई साहब, भावना गलत नहीं थी, आपकी बात समझ ली, लेकिन सिर्फ भावना गलत नहीं थी और आपने कुछ भी कह दिया तो उससे काम नहीं चलेगा, चाहे आपकी भावना सही हो या गलत हो। आपको तमीज से, तहजीब से तो बात करनी ही पड़ेगी। चलिए, खैर, हम फिर गाड़ी भटक गए, हम बात कर रहे थे कटारिया जी के FIR की, क्योंकि कटारिया जी ज़्यादा समझदार हैं, ये सारी बातें ज़्यादा समझते हैं, अपने जैसे निरे निठल्ले गंवार तो हैं नहीं, है ना। तो बात हो रही थी FIR की, कटारिया जी ने खुद को धमकी मिलने की शिकायत करते हुए FIR दर्ज करवाने की एप्लीकेशन दी है। गुलाब चंद कटारिया ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी मिलने के बाद FIR दर्ज करवाई। सोमवार को कटारिया ने उदयपुर रेंज IG सत्यवीर सिंह को डाक से शिकायत भेजी। इसमें उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से फोन, मैसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, इस पर कानूनी एक्शन लिया जाना आवश्यक है। कटारिया ने पुलिस में दर्ज शिकायत में 12 अप्रैल को महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए विवादित बयान का जिक्र भी उन्होंने कहा। इसमें उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा आवेश में दिए गए भाषण के बाद सोशल मीडिया के मार्फत सर्व समाज से क्षमा प्रार्थना भी की गई, इसके बाद भी मुझे जान से मारने की धमकी और अपशब्दों का संदेश प्राप्त हो रहे हैं। वहीं गुलाब चंद कटारिया की शिकायत के बाद उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुखेर थाना अधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि कटारिया की शिकायत के आधार पर 506 IPC और 66 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। कटारिया को मिल चुकी है जान से मारने की पहले भी धमकी। आपको ये बता दें, महाराणा प्रताप पर दिए गए विवाद बयान के बाद 15 अप्रैल को कटारिया को जान से मारने की धमकी मिली थी। सोशल मीडिया पर भीलवाड़ा के साड़ा तहसील ठिकाना हलोली से वीडियो में गुलाब चंद कटारिया को चेतावनी देते हुए कुछ युवक उनके पुतले को गोली से उड़ा रहे थे। कुछ युवक उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि कटारिया अगर हलोली पहुँचे तो
उसके सिर को इसी तरह गोली से उड़ा दिया जाएगा। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।